बीएससी सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए जिम्नोस्पर्म में जो विविधताओं के विकास के संदर्भ में हम जो चर्चा कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमने इससे पूर्व जो पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें ताकि आप इसको सीक्वेंस में पढ़ें तो ये ज़्यादा ठीक रहता है, वो याद भी तभी रहता है। प्रो जिम्नोस्पर्म ऑप्सिडा के बारे में हमने चर्चा की थी जिसके तहत एंड्रोफाइटल्स, आर्क्योप्टेरिडल्स और आपके प्रोटोपिटाइटल्स के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने वर्तमान जो संघ है जिम्नोस्पर्म ऑप्सिडा उसके बारे में बताया था कि इसमें वर्तमान में जो पाए जाने वाले सारे जिम्नोस्पर्म इसी जिम्नोस्पर्म ऑप्सिडा संघ के अंतर्गत आते हैं और इसे स्टीवर्ट ने तीन क्लासेस में डिवाइड किया था। तीन क्लासेस हैं, वो हैं साइकिडोफाइट्स, कोनेरोफाइट्स और निटोप्सिडा। हमने पिछले अध्याय में साइकिडोफाइट्स के बारे में चर्चा कर ली थी, उसके सभी गणों के बारे में हमने चर्चा की थी जिसके अंतर्गत एंडोस्पर्मेल्स, साइकिडेल्स, ग्लोसोप्टेरिडेल्स, साइकिडियोडेल्स, पेंटोजाइलेल्स, कैटोनियल्स के बारे में हमने चर्चा की थी और टेरिडोस्पर्मेल्स को चार कुलों में विभाजित किया था, लाइजेनोप्टेरिडेसी, मेडलुसेसी, कैलिस्टोफाइटेसी और कैलेनोपिट्रिएसी। इसके बाद हमने ग्लोसोप्टेरिडेल्स के जो गण हैं उनके बारे में चर्चा की थी, कैटोनियल्स गण के बारे में चर्चा की थी, कैटोनियसी, कैरिस्टोस्पर्मेसी और पेल्टास्पर्मेसी इसके तीन कुल हैं, इसके बारे में हमने कुछ लक्षणों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंट साइकिडेल्स गण के बारे में चर्चा की थी जिसके अंतर्गत हमने साइकिडेसी, स्टिंजेरियसी और जेमियसी कुल के बारे में चर्चा की थी। इसके मैं सभी वीडियो और PDF आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरा जो इम्पॉर्टेंट वर्ग है, दूसरा जो क्लास है जो स्टीवर्ट ने बताए थे आपके साइकिडोफाइट्स, कॉनिफेरोफाइट्स और निटोप्सिडा, तो हम कॉनिफेरोफाइट्स के पौधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कॉनिफेरोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं इसके अंतर्गत छः ऑर्डर्स, कुल छः गण इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इनमें इम्पॉर्टेंट है जिंगोएल्स, जैकोनोविस्कीएल्स, कार्डेटेल्स, वॉल्जीएल्स, कॉनिफरेल्स और टैक्सेल्स। इनमें हम सबसे पहले जो गण है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये जिंगोएल्स जो गण है इसका एकमात्र जीवित पादप गिंगो बाइलोबा है, इसे जीवित जीवाश्म भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके जो करेक्टर्स हैं वो जुरासिक काल से अब तक उनमें कोई चेंजेस नहीं आया है। जीवित जीवाश्म उन्हीं पौधों को कहा जाता है बच्चों जिनके करेक्टर्स में कोई खास परिवर्तन ना आए, जो जैव विकास की प्रक्रिया से अछूते रह जाएं, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे जीवों को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। इसके जो लुप्त जो पौधे हैं, जो इसके भाई बंद हैं ट्राइकोपिट्स, जिंगोएट्स, वो लुप्त हो चुके हैं इस पृथ्वी पर से। गिंगो बायलोबा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्लांट है ये प्राकृतिक रूप से बहुत कम अब प्राप्त है, लगभग इसको संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में माना जाता है। इसका एक जीवित प्राकृतिक पादप नैनीताल में राजभवन के जो गेट है उसी पर लगा हुआ है गिंगो बायलोबा प्लांट। इसमें एकमात्र फैमिली आती है जिंगोएसी, ये 30 मीटर से अधिक ऊंचा पादप है जिसमें दो तरह की शाखाएं होती हैं, बोनी और लंबी। पत्तियां लंबी पंखाकार और पत्तियों में द्विभाजित शाखित शिरा विन्यास पाया जाता है। जननांग एक लंगाश्री होते हैं और मादा जननांग के रूप में एक बीजांड होता है जो कि शाखा के शीर्ष पर पाया जाता है। नर जननांग शल्प पत्रों के कक्ष में छोटा सा पाया जाता है। तो ये गिंगो बायलोबा या गिंगो एल्स और गिंगो एसी फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया। हम दूसरे गण के बारे में बात करते हैं जैकेनोविस्कीएल्स। दुर्भाग्य से इसके सभी पादप विलुप्त हो चुके हैं। जुरासिक और क्रिटेशियस काल का ये पौधा था, इसका एकमात्र कुल जैकेनोविस्कीएल्स है। वैसे इसके सारे करेक्टर्स गिंगो एसी जो फैमिली हमने पढ़ी है अभी, गिंगो एल्स जो गण हमने पढ़ा है उसके समान है और पाइनस के भी समान है। इनमें भी बोनी शाखाएं होती थी जो कि 10-10 के समूहों में पाई जाती थी। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगला जो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आ रहा है वो है कॉर्डटेल्स। ये पैलियोजोइक महाकल्प के डिवोनियन काल के फैनी कॉनिफेरस युग में ये पाए जाते थे। ये पादप संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाते थे, ट्रायसिक काल में विलुप्त हो गए। अधिकतर आज जो भी हमें पादपों के जीवाश्म मिलते हैं, जैसे कोयले की खदाने हो या हम कोई खदान, कोई खान वगैरह हम जब खोदते हैं तो वहाँ जब जीवाश्म मिलते हैं तो वो कॉर्डटेल्स के, अधिकतर जीवाश्म कॉर्डटेल्स के ही प्राप्त होते हैं। इससे ये पता चलता है कि कॉर्डटेल्स एक समय पूरी पृथ्वी पर छाए हुए थे। इसके अंतर्गत तीन फैमिलीज, तीन कुल आए हैं, कॉर्डटेसी,
यूराजियाइलेसी और जीटेसी। इस गण के पादप समुद्र के किनारे, ज़्यादातर समुद्र के किनारे उगते थे। अब जब समुद्र के किनारे उगते थे तो वहाँ दलदली अवस्थाएं पाई जाती थी, अतः इनमें अवस्थंभ मूलें भी पाई जाती थी, क्योंकि दलदली आवास में उगने के लिए जड़ों को वायु के लिए, श्वसन के लिए इस प्रकार का संरचना की आवश्यकता पड़ती है। जड़ें शाखित होती थी। इनका रंभ द्वि आदिदारुक डायार्क, बही आदिदारुक एक्सार्क की कंडीशन में पाया जाता था। इसके जो जीवाश्म, उनमें सबसे प्रसिद्ध जीवाश्म है एमाइलोन नाम का एक पौधा, उसका जो जीवाश्म हमें मिला है। उसके अध्ययन से पता चलता है कि इनकी जो कास्ट थी, वुड थी, वो पिक्नोजाइलिक यानी सघन आदिदारुक प्रकार की पत्ती की जड़, इनके संवहन तंत्र सघन आदिदारुक यानी पिक्नोजाइलिक प्रकार का था, और कास्ट इनके सघन आदिदारुक पिक्नोजाइलिक प्रकार की थी। पत्तियाँ 1-1 मीटर लंबी हृदय के आकार की होती थी, और इनमें समानांतर शिराविन्यास पाया जाता था। ये समांतर की जगह समानांतर शिराविन्यास लिखा करो, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, आप समानांतर शिराविन्यास लिखिएगा। अब हम अगले गण गण की तरफ बढ़ते हैं, वॉल्ट जीएल्स, जिसके अंतर्गत दो फैमिली हम लोग अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में, लिबेचिएसी और वॉल्ट जीएसी। और लिबेचिएसी कुल के सदस्य हैं लिबेचिया, वॉल्चिया। ये कार्बोनिफेरस और परमियम काल के जो ये प्लांट हैं, इनके बारे में हम डिटेल अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।